जय जगन्नाथ, नमस्कार। वेलकम टू पद्मेश केमिस्ट्री। पूर्व वीडियो रे हमें पार्ट वन SN1 रिएक्शन मेकानिजम रे थ्योरी कवर करथुलु। आज जो वीडियो अच्छी पार्ट टू SN1 रिएक्शन मेकानिजम पार्ट टू, ताधरे हमें आपण माने देखि परथुबे हमें SN1 रिएक्शन मेकानिजम रे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। ये वीडियो रे हमें पूरा पूरी भाव रे स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट एकदम डिटेल्स रे देखिबा, जोथरे कि एकदम मु अमेजिंग कांसेप्ट गुडा कहिछि हमर जेई पई नीट पई खास करके जेई एडवांस्ड पई। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप करिवेनि, पूरा स्टार्टिंग रु नेकि पूरा एंडिंग पर्यंत देखिबे। आउ जो मानक पाखरे धरनियो तो टाइम शॉर्टेज रहउछि तो 1.5x स्पीड रे देखंतु, 1.75x स्पीड रे देखंतु, किंतु वीडियो पूरा पूरी वीडियो निहाते देखंतु। आ जो माने हमर वीडियो को पसंद करुछन्ती, वीडियो को हमर लाइक करंतु, समस्त सहित शेयर करंतु, जेंति जत्ते ओडिया जेई आउ नीट एस्पिरेंट अछन्ती समस्त पाखरे ए वीडियो पहुँचु। आउ ता सहित आम चैनल को निहाते भाव सब्सक्राइब करूँ एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, देखो SN1 रो बेसिक जिनसटा कहला SN1 दुटा स्टेप हुए, जहाँ भी हुए पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट रे हुए, गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेन्स हुए। फर्स्ट फैक्टर जो गुड़ाक फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रे आम कौन SN1 मेकानिजम को पूरा इनडेप्थ रे पूरा डिटेल्स रे पढ़िया, बुझल। तो फर्स्ट देखो कौ टाइप अल्काइल हैलाइड कि कौ टाइप सबस्ट्रेट थी दरकार। तुम्हें देखिच SN1 रे आमर जो RDS हुए, बुझिपार एमती देख अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल नली, ठीक अच्छे पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट रे जो फर्स्ट स्टेप थाए, स्टेप वन थाए पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट रे, ठीक अच्छे RDS रे आमर कार्बोकेटाइन रो जनरेशन हुए, हाँ ना ना कार्बोकेटाइन रो जनरेशन हुए, लिविंग ग्रुप बाहरी गला, बुझिपार ना। तो ये जो लिविंग ग्रुप बाहरला पर कार्बोकेटाइन जेनरेट है, आम से गोटे पॉइंट लिखीचु जो भाई आम जो अल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी एटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उपर डिपेंड करुच्छे, माने जिते कार्बोकेटाइन स्टेबल हम से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रो SN1 देखा टेंडेंसी बा SN1 देखा रिएक्टिविटी बेसी रही है, ठीक अच्छे। ऑल्दो ये स्टेटमेंटा पूरा पूरी भाव में ठीक नुह, 100% ट्रू नुह ये स्टेटमेंट, बुझिपार। एक्चुअली कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी अपेक्षा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बा ईज ऑफ डिसोसिएशन, ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड भांगुची जो डिसोसिएशन बा आयोनाइजेशन होउची, कारण देखो भाई डिसोसिएशन हेले तो जाइ कार्बोकेटाइन जनरेट हबो ना। तो एक्चुअली हमरो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बा ईज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड उपरे रेट डिपेंड करे। आमे जो प्राय तो बुक्स मानकर भी पढुचु जे रेट ऑफ SN1 डिपेंड्स ऑन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, एटा 100% ठीक नुह। रियल फैक्ट होची रेट ऑफ SN1 इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द ईज ऑफ डिसोसिएशन, केते इजिली ए बॉन्ड रो डिसोसिएशन होची RDS रे, कथाटा बुझी पारुछो ना बुझी पारु ना। किंतु आमे बहुत बहुरे देखिया को भी पाउछो जे रेट SN1 रो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी उपर डिपेंड करुची, एटा से माने एथि पई लेखुचंदी, कारण देखो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन आउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन दी जण ही प्राय तो आमे 99% केसेस रे देखुचो दी जण जाको रिजेम्बल कर जाउचंदी, माने जहार एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अधिका से ही कार्बोकेटाइन भी स्टेबल बनाऊँच। तो आम देखिए कंक्लूजन लिखी दूचु कौन ना रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, किंतु एठी आम एक्सेप्शनल केस भी देखा जोटी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कम थी बट रेट SN1 सी अधिका देखु, कथा बुझीपुर ना नहीं। आम जेनराली पढ़ीचु जे रेट कहार SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, ठीक ना नहीं, किंतु यहाँ 100% ट्रू नुह, दिस इज नॉट 100% ट्रू, दिस इज नॉट 100% ट्रू। एक्चुअल सत कथा कौन जे भाई रेट ऑफ SN1 रेट SN1 एक्चुअली कहाँ पर डिपेंड करुच्छे एक्सटेंट और ईज, एक्सटेंट और ईज ऑफ डिसोसिएशन बा आयोनाइजेशन ऑफ कहार कार्बन हैलोजन बॉन्ड, एटा एक्चुअल ठीक कथा। बाकी आम प्रायत तो केसेस देखु कौन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आउ एक्सटेंट और ईज ऑफ डिसोसिएशन ए दुज रिजेम्बल करती, माने जहाँ डिसोसिएशन अधिका सी ही स्टेबल कार्बोकेटाइन भी जेनरेट कर, तो आम ये पॉइंट लिखी दूचु बट दिस इज नॉट 100% ट्रू, आम एक्सेप्शनल केस भी देखा बुझिपार। तो सबस्ट्रेट कौ टाइप अल्काइल हैलाइड बा सबस्ट्रेट कौ टाइप दरकार, सबस्ट्रेट कौ टाइप दरकार जी कि जनरली आमर स्टेबल कार्बोकेटाइन दे पार्थ, मैंने सबस्ट्रेट एमती दरकार जोटी कार्बन हैलोजेन बॉन्ड रो ईज ऑफ डिसोसिएशन इजियर होता दरकार, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन यार हाई थी दरकार, ताल तो जाइ कार्बोकेटाइन जेनरेट हम तेज जाइ SN1 मेकानिजम थ्रू रे रिएक्शन प्रोसीड कर पार, ठीक अच्छे। देख जेनराली आम यह देखीचु जेनराली आम यह देखुचु जे जो रेट ऑफ SN1 आमर जो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी उपर डिपेंड करुची
आउ रेट ऑफ SN1 जो आमर इज ऑफ डिसोसिएशन ऊपर डिपेंड करुच। एक्चुअली तो यही पॉइंट बेस ठीक बट प्राय तो केसेस ने आमे देखिछु ये दी जणा पैरेलली ही चलंती। मोस्ट ऑफ दी सबस्ट्रेट्स मानको केस रे तमे देखिबो ये दी जणा पैरेलली चलंती जहार इज ऑफ डिसोसिएशन अधिका से ही भलो स्टेबल कार्बोकेटायन मध्ये बनाए। हाँ किंतु एक्सेप्शनल केस अच्छी जोठी ए दी जणा पैरेलली चलंती नाही। जदि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अधिका थिबो स्टेबिलिटी कम भी थाउ तभी रेट SN1 अधिका हबो। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अधिका अछि कार्बोकेटायन स्टेबल न भी हो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन भी जनरेट हो बट रेट ऑफ SN1 विल बी हायर। तो ये सब बेले पैरेलली चलंती सब बेले दी जणा रिजेम्बल करथबे एमती कोनसी माने नाही। नॉन एक्सेप्शनल केसेस डू नॉट रिजेम्बल ईच अदर एटा जनरली एटा हुए बट मु कोन कहि छी बट इन एक्सेप्शनल केसेस दीज टू डू नॉट रिजेम्बल ईच अदर। अरे बुझी पार्छ ना देख ये मुझे सबस्ट्रेट देमको तीन टा सबस्ट्रेट देख ये तुमको सबस्ट्रेट मुझे तीन टा तीन चार्टा सबस्ट्रेट देवी मत कह रेट ऑफ SN1 कौन हम देख चार्टा सबस्ट्रेट दिखाई मत कह रेट ऑफ SN1 कौन हम ये चार जन भितर कंपेयर कल एटा थ्री डिग्री सबस्ट्रेट अच्छे ना नहीं एटा थ्री डिग्री हलाइड बा थ्री डिग्री सबस्ट्रेट दिस इज टू डिग्री सबस्ट्रेट दिस इज वन डिग्री सबस्ट्रेट ये भी वन डिग्री सुपर प्राइमरी मिथाइल सबस्ट्रेट एठी तुमर कार्बोकेटायन भी यही स्टेबल बनाए। अरे देखुन यार कार्बोकेटायन जदि चेक कर समस्त कार्बोकेटायन चेक कर दियो समस्त कार्बोकेटायन चेक कर दियो या कार्बोकेटायन एटा माइनस एक्स माइनस है लिविंग ग्रुप बाहर कर दियो यार कार्बोकेटायन एटा यार कार्बोकेटायन किए हम एटा देन यार कार्बोकेटायन ये अरे हो ना बुझिपार एटी स्टेबिलिटी चेक कर तो स्टेबिलिटी रे भी ये आग आसूची देन कान देख ये नाइन अल्फा हाइड्रोजेन अच्छी नाइन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ठीक ना नहीं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर धीरे धीरे कमी कमी जाऊँच आठी जीरो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ठीक ना नहीं पॉजिटिव चार्जर डिस्पर्सल सबुठ बेसी एठी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सबुठ बेसी होची थ्री डिग्री देन टू डिग्री देन वन डिग्री देन मिथाइल मिथाइल टोटाली SN1 देखाए नहीं मिथाइल टोटाली SN1 देखाए ना बुझिपार आउ थ्री डिग्री बेस्ट फॉर SN1 बुझिपार तो ये तुम जमी भावु ऑर्डर पूरा सेमती हम पार्छ तो ये तुम जापार एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन आउ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी दिजा पैरेलली चलुंट रेट ऑफ SN1 इज थ्री डिग्री हलाइड देन टू डिग्री हलाइड देन वन डिग्री हलाइड देन मिथाइल मिथाइल तो भाई SN1 देखाए भी ना प्राक्टिकाली मिथाइल SN1 देखा इम्पसिबल ये SN2 बेटर देख पार ये दुटा भितर रेट कंपेयर कल ए दुटा भितर कह रेट ऑफ SN1 कौन हम रेट ऑफ SN1 ए दुई जन भितर कंपेयर कल कौन हम एटा थ्री डिग्री सबस्ट्रेट अच्छी एटा वन डिग्री सबस्ट्रेट अच्छी बुझिपार ठीक अच्छे या कार्बोकेटायन बनईकी देखीद एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी चेक करवा कार्बोकेटायन बनइब जदि ये थ्री डिग्री कार्बोकेटायन आसूची बुझल आ यार जदि कार्बोकेटायन बनइब एटी चेक कर ये आसूची तुम कार्बोकेटायन वन डिग्री कार्बोकेटायन आसब ना आसबन अरे तो वन डिग्री कार्बोकेटायन ना प्रायत वन डिग्री कार्बोकेटायन है तुम रेट ऑफ SN1 छाड़ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कहल कौटी अधिका कौटी कम SN1 रेट छाड़ दियो आग मत कह कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कहार बेसी कहार कम ना ना दीजण प्रायत सिमिलर कौन लगुच कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कौन हम एटा थ्री डिग्री कार्बोकेटायन अच्छी बुझिपार ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन नौटा अल्फा हाइड्रोजेन अच्छी तमाने नौटा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव चार्जर डिस्पर्सल हम थ्रू हाइपर कंजुगेशन एटी तुम जापार एटी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नुह अरे भाई पॉजिटिव चार्ज वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल अच्छी ना ये हाँ लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग हो पारन रेजोनेंस हो पारन हो पार ना नहीं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यार आउ गोटे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्र करी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 182 हाँ पॉजिटिव कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट नथिले आमे पॉजिटिव चार्ज देखी था कंप्लीट ऑक्टेट अचीव हो जाऊँगी पॉजिटिव चार्ज को गोली मार बुझिपार एटा बेसी स्टेबिलाइज्ड कारण ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड अरे बुझिपार ना नहीं ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड एटा जदि कैनोनिकल फॉर्म 1 आउ एटा जदि कैनोनिकल फॉर्म 2 को कैनोनिकल फॉर्मटा बेसी स्टेबल एटा
कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ बोथ द एटम्स एटी जनकर ऑक्टेट इनकम्प्लीट बुझी पारुछ ना नहीं तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी जदि देखिबो भाई रेजोनेंस तो हाइपर कंजुगेशन उपरे डोमिनेट करे हो ना नहीं कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी जदि देखिबो ये मोर स्टेबल जेबे कि ये कंपैरेटिवली ता कंपैरिजन ये लेस स्टेबल अरे बुझी पारुछ ना नहीं तो कोउ सबस्ट्रेट बेसी देखिबो रेट ऑफ एसएन1 कि अधिका देखिबो निहाती भाबरे ये रेट अधिका देखिबो हो ना नहीं यार रेट या ठू अधिका रहिबो आ गोटे जिनस भी चिंता करिबो आ गोटे जिनस भी चिंता कर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इज ऑफ डिसोसिएशन अभी कहूँ ना इज ऑफ डिसोसिएशन जोटा आरडीएस रे होउची ता ऊपर रेट ऑफ एसएन1 एक्चुअली डिपेंड करुची कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऊपर सेते डिपेंड करनी तुम जब देखिबो एठी एटा तुम थ्री डिग्री सबस्ट्रेट अच्छी एटा वन डिग्री सबस्ट्रेट अच्छी जे किंतु मार्क कर वन डिग्री सबस्ट्रेट को एटा अल्फा कार्बन ना नहीं अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप लगी अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप लगी माने ये वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर एसएन1 एटा होची वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर एसएन1 केमिति कार्बोकेटायन तो स्टेबल बनाऊँची से मोर मना नहीं कार्बोकेटायन स्टेबल बनाऊँची किसी असुविधा नहीं इज ऑफ डिसोसिएशन भी जदि आम देखा कार्बन हैलोजन बॉन्ड भांगिबार एक्सटेंट जदि आम देखा तो तुम्हें देख ये लोन पेयर ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड डिसोसिएशन रे असिस्टेंस प्रोवाइड करिबो केमिति असिस्टेंस प्रोवाइड करिबो ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड एटा सिग्मा बॉन्ड अरे हाँ ना नहीं सिग्मा आम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी जानचो ना नहीं हाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रे गोटे सिग्मा बॉन्ड रो दुटा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग दुटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थाए गोटे सिग्मा बॉन्डिंग गोटे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग जोठी बॉन्ड हेची एटी सिग्मा बॉन्डिंग फील्ड अछि सिग्मा बीएमओ इज फील्ड बॉन्ड हेची सिग्मा बीएमओ फील्ड बट सिग्मा स्टार ए बीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये तो वैकेंट अछि आ एटी देखो एडजेसेंट रे या पाखरे इलेक्ट्रॉन पेयर अछि तो ये आकु कोन करिवो डोनेट करिवो जेमति ये एंटी बॉन्डिंग को डोनेट कला भाई बॉन्डिंग रे दीटा इलेक्ट्रॉन बीएमओ रे दीटा इलेक्ट्रॉन अछि बुझिलो ए बीएमओ रे भी दीटा इलेक्ट्रॉन आसी गला बॉन्ड ऑर्डर हमें केमति काडुथुलु बॉन्ड ऑर्डर होची हाफ होल इनटू एनबी माइनस एनए दैट इज हाफ होल इनटू 2 2 माइनस 2 केते हे गला बॉन्ड ऑर्डर जीरो तेणुक ये बॉन्ड कैंसल हो जाऊँगी बॉन्ड ऑर्डर जीरो माने बॉन्ड इज कैनसेल्ड बुझी पारुछ तो भाई ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड रो डिसोसिएशन रे ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप लगी एडजेसेंट एटम ये असिस्टेंस प्रोवाइड करुची एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन रे कथा बुझी पारुछ ना नहीं से कार्बन हैलोजन बॉन्ड रो डिसोसिएशन भी इजीयर हो जाऊँगी आ कार्बोकेटायन भी इजीयर जनरेट भल स्टेबल कार्बोकेटायन भी जनरेट हो तो दु जन रिजेम्बल कर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी हाई अच्छी एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन भी हाई अच्छी तेणुक रेट ऑफ एसएन1 किए देखेबो आर एसएन1 धरनियो एटा 1 एटा 2 1 ग्रेटर देन 2 अरे हो ना नहीं बुझी पारुछ एटी लिखिदेव लोन पेयर तुम कौन करुची असिस्टेंस प्रोवाइड करुची लोन पेयर प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन डिसोसिएशन अरे हो ना नहीं भाई ईज ऑफ डिसोसिएशन टा बुझी पारुछ ना नहीं कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी तो फिर भी आम जीओसी रे बहुत भल भाव पढ़ीचु डिसोसिएशन रे भी ये याठू अधिक आसीबो ये याठू अधिक आसीबो ईज ऑफ डिसोसिएशन रे भी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी रे भी सी याठू अधिक आसुची सो रेट ऑफ एसएन1 यार इज ग्रेटर देन दिस तो तुम जानपरच जदि भी कौटी अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप लगी जी रेजोनेंस रे सप्लाई कर पारुथुबो देन इट इज वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर एसएन1 ये वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर एसएन1 ये भी गुड सबस्ट्रेट किसी मना नहीं थ्री डिग्री भी गुड सबस्ट्रेट बट एटी हाइपर कंजुगेशन एटी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कम रहिबो एटी असिस्टेंस मिल जाउची लोन पेयर तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी अधिक आसीबो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी भी अधिक आसी तापर देखो थर्ड टाइप रे हमर आसीबो थर्ड टाइप रे स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट रे देखो जदि आम पाखरे एंती टाइप रो किछि सबस्ट्रेट अछि ठीक अछि एटी तमे हैलोजन न लगाओ भाई हैलोजन न लगे कि एंती किछि एक्स दे दियो किछि भी हैलाइड लागि थौ परे आमे लिविंग ग्रुप एबिलिटी रे द लिविंग एबिलिटी रे देखि देबा देखिलो एठी ये जो टाइप रो सबस्ट्रेट मु तुमको देइछि एठी अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप लागिछि ना विथड्रॉइंग ग्रुप लागिछि इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप लागिछि ना विथड्रॉइंग ग्रुप लागिछि अल्फा कार्बन को मार्क कर भलसे विथड्रॉइंग ग्रुप लागिछि बुझि पारुछ जदि तुमर सबस्ट्रेट एमती टाइप रो सबस्ट्रेट तुमको दिया है देखो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट तीन टाइप रो सबस्ट्रेट मु देइछि एठी तुम मार्क कर अल्फा कार्बन
अल्फा कार्बन को कोई टाइप ग्रुप लगी कहल इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कोई टाइप ग्रुप लगी विथड्रॉइंग ग्रुप लगी ठीक अच्छे तो एमती टाइप सबस्ट्रेट जो अल्फा कार्बन विथड्रॉइंग ग्रुप लगी वेरी पुअर सबस्ट्रेट फॉर एसएन वन वेरी पुअर सबस्ट्रेट फॉर एसएन वन कहीं चिंता कर जदि आम कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी भी देखा तो एम जो कार्बोकटाइन एम जो कार्बोकटाइन जेनरेट हे यू कार्बोकटाइन कौन हम ये पॉजिटिव चार्ज आस लिविंग ग्रुप हटिज ये पॉजिटिव चार्ज आस भाई विथड्रॉइंग ग्रुप लगी पॉजिटिव चार्ज रो इंटेंसिफिकेशन कराइब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कार्बोकटाइन लेस स्टेबल हम लेस स्टेबल कार्बोकटाइन जेनरेट हम तीन टा ही केसेस तुम देख जापर ना जापर न द्वितीय कथ ये तो आम देख लु कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी द्वितीय कथ जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड भी देखा कौन एटी ए ग्रुप या कौन सी प्रकार असिस्टेंस प्रोवाइड कर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन रे ये तो इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप नुह कि लोन पेयर कि ना जे एंटीबॉन्डिंग को सपोर्ट करदेव तो यार एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन रे ए टाइप रो ग्रुप कौन सी भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी एमानकर कम एठी ए तीन टा टाइप सबस्ट्रेट रे जोठी कौन अच्छी अल्फा कार्बन रे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगी ये बीटा किटो सबस्ट्रेट अच्छी टी मार्क कर एटा बीटा किटो ठीक अच्छे बीटा किटो सबस्ट्रेट अच्छी ठीक अच्छे ये सब सबस्ट्रेट रे अल्फा पोजिशन रे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगी ए टाइप सबस्ट्रेट हूँ वेरी पुअर सबस्ट्रेट फॉर एसएन वन दुटा कारण एक तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कम द्वितीय कारण कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी कम बुझिपना बुझिपार ना तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कहार कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन ऑल दिस हैलाइड्स कम आ सहित स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन जदि कार्बोकटाइन भी आम पाखु बनई दबा हैलोजन हटेकि लिविंग ग्रुप हटेकि तो कार्बोकटाइन भी लेस स्टेबल आसीबो तेणुकर रेट ऑफ एसएन वन बहुत बहुत खराब दिज आर पुअर सबस्ट्रेट्स फॉर एसएन वन रिएक्शन ये सब एसएन टू भल देखा बुझिपार तापर नेक्स्ट ये पॉइंट भी बहुत इंपोर्टेंट कहीं देख देख जेई तो बहुत इंपोर्टेंट प्लस बोर्ड एग्जाम्स भी आसी जाए ये जो पॉइंटा जेई तो इंपोर्टेंट नो डाउट बोर्ड एग्जाम्स भी आसे कौन ना आमर अलाइल अलाइलिक एंड बेंजाइलिक सबस्ट्रेट अलाइलिक एंड बेंजाइलिक सबस्ट्रेट्स ठीक अच्छे आर हाइली रिएक्टिव टुवर्ड्स एसएन वन रिएक्शन बुझिपारुच अलाइलिक सबस्ट्रेट मैंने जापरच मु कौन कह भाई एटा एटा अलाइलिक अलाइलिक एटा एटा अलाइलिक ना विनाइलिक एटा विनाइलिक अलाइलिक कोटा एटा अलाइलिक ठीक ना नहीं अच्छा देख लो बेंजाइलिक सबस्ट्रेट अरे ये बेंजीन रिंग एमती पोलियो बागिया कौन हो ठीक अच्छे देख ये बेंजाइलिक बेंजाइलिक सबस्ट्रेट एटा अरे हाँ कि ना कहू न बेंजाइलिक सबस्ट्रेट अरे भाई तुम कौन कर अरे भाई बेंजाइलिक सबस्ट्रेट ठीक ना नहीं सेटा फिनाइलिक सबस्ट्रेट हो जाठी फिनाइलिक फिनाइलिक गोटे सी एच टू ग्रुप बढ़ईदेल अलाइलिक और बेंजाइलिक ठीक ना नहीं देख अलाइलिक और बेंजाइलिक सबस्ट्रेट वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर एसएन वन बुझिपार वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर एसएन वन केमती देख भाई लिविंग ग्रुप हटे दियो टिके कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी चेक करो कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी चेक करो बेंजीन रिंग को सी एच टू प्लस अरे यार रिंग कौन एम हो आज देख लो अलाइल कार्बोकटाइन एटा अलाइल कार्बोकटाइन ना नहीं एटा बेंजाइल कार्बोकटाइन ना नहीं ठीक ना नहीं अच्छा ये कार्बोकटाइन गुड़ाक कौन स्टेबल ना अनस्टेबल स्टेबल कार्बोकटाइन ना नहीं हाँ कौन स्टेबिलिटी अच्छी यहाँ पाखे स्टेबिलाइज्ड बाय व्हाट फैक्टर दीज आर स्टेबिलाइज्ड बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जीओसी रे पढ़ा ही ची भाई भाई रेजोनेंस जानव ना पाए सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेटेड सिस्टम रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड ना नहीं रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड ठीक अच्छे दिज आर रेजोनेंस अच्छा एटी भी रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन
यार सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमने कम्प्लीट कर मुझ गोटे दुटा देखिए छाड़ ये सब जीओसी आम पढ़ाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम्प्लीट कर रेजोनान्स हाइब्रिड भी लिखे दुटार बुझिपार तो ये दीज ये देख एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी भल एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी भल ठीक ना नहीं कहीं मुझे ना ये एंटीबॉन्डिंग अच्छी पाई बॉन्ड अच्छी ठीक ना नहीं तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी इनकर भल ये देख पाई बॉन्ड अच्छी ये वैकेंट ऑर्बिटल अच्छी एंटीबॉन्डिंग पाई बॉन्ड सपोर्ट कर असिस्टेंस प्रोवाइड कर असिस्टेंस प्रोवाइड कर कार्बन हैलोजन बॉन्ड डिसोसिएशन रे एठी ए दी जनों को केस रे एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी भल कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी भी भल दीज आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बोकेटायन्स ना नहीं रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बोकेटायन्स दी जनों जाक ठीक ना नहीं ये कतरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आसूँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए केस रे दीटा आ ए केस रे पांचटा पूरा करके देख पांचटा आसो आ गोटे गोटे रेजोनेंस हाइब्रिड बनईदेव तो ये दी जनों पर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी गुड कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी भी गुड तेणुक एम रेट ऑफ एसएन वन इज वेरी वेरी हाई बुझिपारुना भाई फिफ्थ पॉइंट रे मुझी जे विनाइलिक फिफ्थ पॉइंट चेक करो फिफ्थ पॉइंट रे बोधे मुझे जे विनाइलिक अराइलिक आउता सहित ब्रिज हेड सबस्ट्रेट्स जतक विनाइलिक अराइलिक एज वेल एज ब्रिजहेड सबस्ट्रेट्स ब्रिजहेड माने आमर बाइसाइक्लो कंपाउंड्स रे ब्रिजहेड सबस्ट्रेट्स दीज आर वेरी पुअर सबस्ट्रेट्स दीज आर वेरी पुअर सबस्ट्रेट्स माने नियरली दीज आर इनर्ट टुवर्ड्स एसएन वन ए माने बहुत खराब एसएन वन देखांती बा एसएन वन देखांती मो कथा बुझी पारछो ना नहीं ठीक अछि काहे कि देखो ए पॉइंट आमर लेखा होइ जाइछि ना पॉइंट आमर लिखा ही जाटा लिभ देख विनाइलिक सबस्ट्रेट अराइलिक मान एरोमेटिक डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को अटैच थी लिविंग ग्रुप अरे बुझिपारा ना ये विनाइलिक सबस्ट्रेट ये विनाइलिक सबस्ट्रेट आउ ये हूँ तुम अराइलिक और फिनाइलिक फिनाइल भी कहींपर ये फिनाइल रिंग अच्छी अराइलिक सबस्ट्रेट तो कौन पाई एमाने एसएन वन देखेबे नी कौन पाई एमाने इनर्ट टुवर्ड्स एसएन वन दीज आर वेरी पुअर सबस्ट्रेट फॉर एसएन वन पाथवे देखिए एमाने रिएक्शन करती कौन पाई देख प्रथम कथा होची जदि धरनी आम कार्बोकेटायन भी जेनरेट करई दबा धरनी लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कि बाहरी गला हाइपोथेटिकली माने जस्ट इमेजिन कर आउ धरनी कार्बोकेटायन भी जेनरेट हो गला तो कौ टाइप कार्बोकेटायन जेनरेट होटा भी चेक करदे देख जो टाइप रही देख विनाइल कार्बोकेटायन आसा विनाइल कार्बोकेटायन मुझे बोधे विनाइल कार्बोकेटायन आईटा हूँ अराइल और फिनाइल कार्बोकेटायन बोथ दीज कार्बोकेटायन्स आर हाइली अनस्टेबल बोथ दीज कार्बोकेटायन्स आर हाइली अनस्टेबल कहीं कारण देख ये जो पॉजिटिव चार्ज अच्छी इट इज रेसाइडिंग ऑन एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम जोटि परसेंटेज एस क्यारेक्टर आमर के एसपी टू 33.33% ये भी सही जापर ना नहीं एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन अच्छे परसेंटेज एस क्यारेक्टर इज 33.33% मुझे गोटे जिनस कही परसेंटेज एस क्यारेक्टर बढ़िया सहित इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी जाए ठीक ना नहीं आम बंडिंग चैप्टर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी विथ इनक्रीज इन परसेंटेज एस क्यारेक्टर अफ दि हाइब्रिड ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफ सेंट्रल आइटम इनक्रीजेस तो मत गोटे कथ कह भाई पॉजिटिव चार्ज हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर कि पॉजिटिव चार्ज हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम उपरे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बिल्कुल स्टेबल नुह तो कौन ये ए फॉर्म को जीव कौन ये ए टाइप कार्बोकेटायन जोड़ा अनस्टेबल कार्बोकेटायन कौन एमती टाइप कार्बोकेटायन जेनरेट हम हम ना तो देख कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी एमकर बहुत खराब कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी एमकर बहुत खराब ता सहित देख एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन मुझे कही ना ईज ऑफ डिसोसिएशन डोमिनेट्स ओवर कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी एटी जब ईज ऑफ डिसोसिएशन कार्बन हैलोजन बॉन्ड कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड रो जदि ईज ऑफ डिसोसिएशन भी चेक करवा तुम देख ये जो लोन पेयर अच्छी ये देख पाए सिग्मा लोन पेयर पाए सिग्मा लोन पेयर कंजुगेटेड सिस्टम ना नहीं कंजुगेटेड सिस्टम रेजोनेंस हो पाइब रेजोनेंस हम जदि तो रेजोनेंस हेले डबल हेडेड एरो रेजोनेंस हेले कार्बन हैलोजेन बॉन्ड रे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आसीबो ना आसीबो नी को अरे कार्बन हैलोजेन बॉन्ड रे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आसीबो ना आसीबो नी हां
कार्बन हैलोजन बॉन्ड रे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर जीव। अरे बुझी पारुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर जीव छी दीटा रे ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ कोन हबो डिक्रीज करिवो बॉन्ड एनर्जी कोन हबो इंक्रीज करिवो तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज डिफिकल्ट। अरे हाँ ना डिसोसिएशन ऑफ सच टाइप ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड ये टाइप रो बॉन्ड रो डिसोसिएशन इज ऑफ डिसोसिएशन भी खराब न्यूक्लियोफाइल भी आकु डिस्प्लेस करि परिबनी कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आसी जाउची बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ठीक ना नहीं तेणुक इज ऑफ डिसोसिएशन भी खराब एक तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी खराब द्वितीय कथा इज ऑफ डिसोसिएशन भी खराब देयरफॉर विनाइलिक एंड अराइलिक सबस्ट्रेट्स आर इनर्ट टुवर्ड्स SN1 बहुत कथा बुझी पार्छ ना नहीं कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी भी खराब इज ऑफ डिसोसिएशन भी खराब बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस बुझी पार्छ एति के देख ब्रिज हेड सबस्ट्रेट जदि आम ना ठीक अच्छे आपको एटी लगा एटी लगा यहाँ ब्रिज हेड कार्बन अच्छे जापर एटा बाइसाइक्लो कंपाउंड रे ब्रिज हेड पोजिशन कौटी अच्छे यहीटा ठीक ना नहीं और या एमती भी लिख और या चाहिए तुम एमती भी लिखिपार ठीक अच्छे ये ब्रिज हेड सबस्ट्रेट ना नहीं भाई ब्रिज हेड सबस्ट्रेट्स भी आमर SN1 वेरी पुअर सबस्ट्रेट दिज आर नॉट गुड सबस्ट्रेट्स फॉर SN1 दिज आर इनर टुवर्ड्स SN1 कहीं देख जदि आम कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक करवा ठीक अच्छे एटू काढ़ एका कथा भाई दुटाक स्ट्रक्चर सेम ही अच्छे बुझिपार देख तो बाइसाइक्लो कंपाउंड रे ब्रिजहेड पोजिशन में कार्बोकैटायन ब्रिजहेड पोजिशन में पॉजिटिव चार्ज जदि आम कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी भी चेक करवा कौन ए टाइप्र कार्बोकैटायन स्टेबल धरनीय लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कि बाहरी गला हाइपोथेटिकली इमेजिन कर जदि बाहरी भी गला तो भी कौन ए टाइप्र कार्बोकैटायन जो ब्रिजहेड पोजिशन में पॉजिटिव चार्ज आसूची कौन ए टाइप्र कार्बोकैटायन स्टेबल स्टेबल नुह ए टाइप्र कार्बोकैटायन जेनेट हुए ना कहीं जेनेट हुए ना जीओसी में गोटे जिनस कही ब्रिजहेड पोजिशन केवे भी प्लानेरीटी अटेन करपरि वायलेसन अफ ब्रेट्स रूल वायलेसन अफ ब्रेट्स रूल ब्रेट्स रूल आम कौन पढ़ू ये जो ब्रिजहेड पोजिशन अच्छी ब्रिजहेड पोजिशन जिते भी बैसाइक्लो कंपाउंड खास करके कौ टाइप्र बैसाइक्लो कंपाउंड जो आमर रिंग मेम्बर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एट ठीक अच्छे लेस देन और इक्वल टू एट मेम्बर्ड रिंग हो तो ब्रिजहेड पोजिशन और ब्रिजहेड पोजिशन और ब्रिजहेड कार्बन आइटम ब्रिजहेड पोजिशन कैन नॉट अटेन प्लानेरीटी जदि एटी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गला तो एटी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू हो तो आपको प्लानेरीटी अटेन करा पड़ो एसपी टू ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर थाए ठीक ना नहीं ये टाइप रो पोजिशन प्लानेरीटी अटेन कर स्ट्रक्चरटा ही भाया ये प्लानेरीटी अटेन करें तो ये फॉर्म को जीव ना जदि आम कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक करा जदि पलैला तो रिंग स्ट्रेन बा एंगल स्ट्रेन बहुत अधिका हम अनस्टेबल हो बुझिपार तेणुक ब्रिजहेड बाइसाइक्लो सबस्ट्रेट्स जो लिविंग ग्रुप इज अटैच टू ब्रिजहेड पोजिशन दिज आर इनर्ट टुवर्ड्स SN1 ड्यू टू वायलेसन अफ ब्रेट्स रूल कथा बुझिपार ना बुझिपार ना हाँ द्वितीय कथ ये एक्सटेंट अफ डिसोसिएशन जदि आम देखा एक्सटेंट अफ डिसोसिएशन भी एटी एमती किसी खास फैक्टर ना असिस्टेंस ना जोटा कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड रो डिसोसिएशन को असिस्टेंस प्रोवाइड कर ठीक ना नहीं तो लिखिदेव से इज ऑफ डिसोसिएशन भी खराब आता सहित कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी भी खराब ठीक अच्छे नेक्स्ट पॉइंट अच्छी सिक्स्थ पॉइंट रे बोधे जो टाइप रो क्वेश्चन जो टाइप रो एग्जांपलटा मु स्टार्टिंग रो जो जिनसटा कही आसुची प्रॉपर एग्जांपल मु देबी एठी देखो एटा 3 डिग्री सबस्ट्रेट अच्छी ना नहीं कहले मते भाई एटा 3 डिग्री सबस्ट्रेट अच्छी ना नहीं अच्छा आउ गोटे टाइप सबस्ट्रेट दे देख ल आउ गोटे सबस्ट्रेट दूसरी सेम 3 डिग्री सबस्ट्रेट देवी अरे एमी कौन एमी कौन एमी हूँ मिथाइल ठीक ना नहीं मिथाइल को एमी इथाइल को इटी फिनाइल को पीएच आम लिखु ना नहीं अच्छा देखो ये भी 3 डिग्री सबस्ट्रेट अच्छी ना नहीं यारी भाया ये भी 3 डिग्री सबस्ट्रेट अच्छी अरे हाँ ना नहीं हो मत एठी भल भाव चिंता कर रेट ऑफ SN1 दीटा सबस्ट्रेट कहार अधिक आसीबो कहार कम आसीबो ना नहीं दिजन सेम रेट बा सिमिलर रेट आसीबो कौन आसीबो भल से चिंता कर देखो कार्बोकैटायन जेनरेशन आम कर देखीदे आग कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक करदे इज ऑफ डिसोसिएशन भी चेक करदे अरे ठीक ना नहीं कह जी भाई धरनीय लिविंग ग्रुप हटिगला
कार्बोकटाइन किसी एमितिया कार्बोकटाइन जेनरेट हम लिविंग ग्रुप हटिगला लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कि बाहरी गला परे जो कार्बोकटाइन जेनरेट हम किसी एमती टाइप रो कार्बोकटाइन जेनरेट हम पॉजिटिव चार्ज देख ल मत खाली एति को जे एदिजा कार्बोकटाइन भितर स्टेबिलिटी कहार बेसी कि बेसी स्टेबल कि कम स्टेबल दुटा कार्बोकटाइन तुम दिखाई कौटा बेसी स्टेबल देख जदि स्टेबिलिटी चेक कर जदि स्टेबिलिटी चेक कर मो कथा भलसे शुण ये अल्फा कार्बन ठीक ना नहीं हाँ नौटा अल्फा हाइड्रोजन नाइन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ये हाइपर कंजुगेशन हम पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स थ्रू नाइन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स किंतु एटी मार्क कल ये कौन से अल्फा हाइड्रोजन नहीं जीरो अल्फा हाइड्रोजन जीरो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ओनली प्लस आई इफेक्ट ये स्टेबिलाइजेशन केमी मिल पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलाइज हम डिस्पर्स हम ओनली थ्रू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ठीक है ना नहीं किंतु एटी हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेंट ओवर प्लस आई ठीक है ना नहीं तो स्टेबिलिटी जो देखिए तो ये बेसी स्टेबल से कम स्टेबल किंतु रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ जेनरेशन को कार्बोकटाइन शीघ्र जेनरेट हम व्हिच इज फॉर्म्ड फास्टर दिस कहीं दिस कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर स्टेबल नो डाउट ये बेसी स्टेबल ये कम स्टेबल बट व्हिच कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर कि इजिली जेनरेट हो कि आगो जेनरेट हम ये कार्बोकटाइन आगो जेनरेट हम कहीं कारण देख ये सी एम थ्री अच्छी बहुत बल्की ग्रुप ठीक ना नहीं तो बल्कि ग्रुप्स भितर ये कार्बन एसपी थ्री हाइब्रिडाइज अच्छी एसपी थ्री हाइब्रिडाइज अच्छी ये कार्बन या भितर एंगल नियरली केते मेंटेन होता 109.5 डिग्री बा धरनीय 110 डिग्री ताठ के अधिक जीव अच्छा एटी कि देख लेस बल्कि मिथाइल ग्रुप लगी जबकि मोर बल्कि टर्सीयरी ब्यूटाइल ग्रुप्स लगी ठीक ना नहीं एटी लेस बल्कि मिथाइल ग्रुप लगी एटी भी नियरली एंगल मेंटेन होती 109.5 डिग्री बा गोटे अधे पट सेपट ठीक ना नहीं भाई बल्कि ग्रुप्स अच्छी तो ये स्टेरिक हेंड्रांस भी तो बहुत ना स्टेरिक हेंड्रांस और स्टेरिक रिपल्शन इज वेरी वेरी हाई जेब ये ए फॉर्म को पलै आस ये ए फॉर्म को पलै आसला देख बल्कि ग्रुप्स भितर के एंगल मेंटेन होगा एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम 120 डिग्री एंगल मेंटेन होगा मान दैट स्टेरिक हेंड्रांस और स्टेरिक रिपल्शन इज रिलीव्ड कथा बुझीपरचु ना नहीं एटी आराम से स्टेरिक हेंड्रांस स्टेरिक रिपल्शन कमीगला जब बॉन्ड एंगल बढ़ीगला पूर्व केस्रे बॉन्ड एंगल कम थिला स्टेरिक हेंड्रांस अधिका थिला तो यार ए फॉर्म को आसिया टेंडेंसी बहुत अधिका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इज ऑफ डिसोसिएशन बहुत अधिका बिकॉज स्टेरिक हेंड्रांस इज रिलीव्ड इन दिस स्ट्रक्चर आउ कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर ये कार्बोकटाइन याठू कम स्टेबल नो डाउट बट दिस कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर दिस इज कंपेरेटिवली स्लोअर कथा बुझीपुर ना बुझीपुर या अपेक्षा ये बेसी स्टेरिक हेंड्रांस अच्छी बुझीपार ना बुझीपार भाई तो दिस कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर कार्बोकटाइन फॉर्म्ड फास्टर एठी कंपेरेटिवली कार्बोकटाइन फॉर्म्ड स्लोअर कंपेरेटिवली स्लोअर रेट रे बुझीपार तो एसएन वन किए अधिक देख एसएन वन आर एसएन वन रेट एसएन वन रिए अधिक देख कह आर डी एस अरे हाँ ना कार्बोकटाइन तो तुम आर डी एस आपिअर करें यहाँ को वन ये स्ट्रक्चर वन ये स्ट्रक्चर टू बा कंपाउंड टू रेट हम टू ग्रेटर देन वन कथा बुझीपार ना नहीं आमर रेट एसएन वन डिपेंड कर आर डी एस ठीक ना नहीं जो स्टेप आमर डिसोसिएशन हो जाए कार्बोकटाइन जेनरेट होते शीघ्र कार्बोकटाइन जेनरेट हम से अधिका रेट ऑफ एसएन वन एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बा इज ऑफ डिसोसिएशन ए केस रे बहुत बहुत अधिका ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स बल्कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स बुझीपार ना नहीं जबकि एटी कंपेरेटिवली लेस बल्कि मिथाइल ग्रुप लगी तो एटी इज ऑफ डिसोसिएशन एटी कंपेरेटिवली कम जबकि इज ऑफ डिसोसिएशन कंपेरेटिवली वेरी हाई अरे बुझीपार ना नहीं कार्बोकटाइन ये बेसी स्टेबल ये कम स्टेबल बट नो डाउट ये बेसी स्टेबल किंतु ये कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक रिपल्शन अरे बुझीपार ना नहीं तो रेट भी किए बेसी देखेब एसएन वन रे देखेब यार एसएन वन रेट कम रज अफ डिसोसिएशन कनसेप्ट बुझ कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी तो ये बेसी बट इज अफ डिसोसिएशन यार बेसी ए ए मॉलिक्यूल अरे बुझीपार ना बुझीपार ना भाई बुझीपार
ये होची एमितिका केस जोटा मु स्टार्टिंग रु कहिए को एक्चुअली चाहूची जे कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी उपरे SN1 रेट डिपेंड करेनी एक्चुअली रेट डिपेंड करची ईज ऑफ डिसोसिएशन उपरे जत्ते शीघ्र डिसोसिएशन होबो सेते शीघ्र RDS RDS कार्बोकटाइन देन रेट ऑफ SN1 कार्बोकटाइन जनरेट हे गला तो भाई SN1 पाथवे देकी ही जीवो आरे बुझी परचो ना नाही भाई ये क्वेश्चन सेनगेज रे भी अछि ठीक अछि एटा सेनगेज रे भी देछि अच्छा तबर देखो नेक्स्ट पॉइंट अच्छा ये पॉइंट ता बुझी परलो हां ए पॉइंट रे जोटी लेखी लव ए जो सिक्स्थ पॉइंट आम देखिलु ये तुम्हें कौन कर बहुत इंपोर्टेंट नोट देकी लिखिदेव इंपोर्टेंट नोट कौन ना ईज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड ठीक है ना नहीं ईज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड डोमिनेट्स ओवर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी भाई ईज ऑफ डिसोसिएशन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऊपर डोमिनेट करे ठीक अछि तो हमरो जनरेशन जत्ते फास्टर रेट ऑफ SN1 विल बी फास्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी मु सहित में से एग्जांपल दा देली इट इज आल्सो गिवन इन द सेनगेज सेनगेज रे ऑर्गेनिक पार्ट 1 की पार्ट 2 को उतरे दे छी मोर त मने पड़नी बट दे छी हां प्राय तो पार्ट 1 नहीं दे छी नेक्स्ट होची 7th पॉइंट 7th पॉइंट रे तमे देखो रेट ऑफ SN1 रेट ऑफ SN1 बुझी परछ आमे जो देखो टिके मार्क करियो भाई जो 3 डिग्री सबस्ट्रेट आमे देखुथुलु तापर आमे 2 डिग्री सबस्ट्रेट देखुथुलु अरे हो ना नहीं 2 डिग्री सबस्ट्रेट देखु नथुलु देन तो आमे स्टार्टिंग रु ही कहिचु देन मिथाइल सबस्ट्रेट ठीक ना नहीं This is 3 degree, this is 2 degree, this is 1 degree, and this is super primary methyl substrate. Bujhi paruchu? Ethi bhi ame rate kon koithulu na bhai 3 degree, then 2 degree, then 1 degree, then methyl rate of SN1. Acha ethi bhi carbocation stability to obviously carbocation stability bisare jodi ame chinta karibe bhi order emti hi chalibo. Rate of SN1 order ei beliya jauchi. Carbocation stability order ei beliya jauchi. अच्छा ईज ऑफ डिसोसिएशन जदि हम चिंता करबा ईज ऑफ डिसोसिएशन भाबो ईज ऑफ डिसोसिएशन भी पैरेलली फॉलो करछि काहे कि ईज ऑफ डिसोसिएशन भी सेमती जाउछि सेही पैरेलली ऑर्डर रे जाउछि ठीक ना नै या से त रिजेम्बल करछि काहे कि अरे भाई देखो एठी भी 3 डिग्री सबस्ट्रेट रे तने देखो बल्की मिथाइल ग्रुप भितरे स्टेरिक हिंड्रेंस बा स्टेरिक रिपल्शन अछि सो दिस प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन द डिसोसिएशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड किंतु धीरे धीरे तमे देखो जते बल्की ग्रुप कमी कमी जाउछि बल्की ग्रुप जेते कमी कमी गला एठी देखो दीटा बल्की ग्रुप हेई गला एठी देखो गोटे बल्की ग्रुप हेई गला बाकी हाइड्रोजन आ एठी टोटली नाही ओनली हाइड्रोजन तो धीरे 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 आमे देखु छु 3 डिग्री रु 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल सबस्ट्रेट अड को गला बेळकु स्टेरिक हिंड्रेंस बा स्टेरिक रिपल्शन कमी कमी जाउची बुझी परछ ना नै एठी स्टेरिक हिंड्रेंस सबटु अधिक आबली टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट स्टेरिक हिंड्रेंस टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट स्टेरिक रिपल्शन एठी कार्बन हैलोजन बॉन्ड रो डिसोसिएशन बहुत इजीली हो जाउ छी सेत पे ईज ऑफ डिसोसिएशन भी यार अधिक देन ईज ऑफ डिसोसिएशन धीरे धीरे कमु छी स्टेरिक हिंड्रेंस कमी बा सहित कथाटा बुझी परु छ ना नै बाकी आमे एही ऑर्डर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को नेकि भी एही ऑर्डर काढुतुलु ईज ऑफ डिसोसिएशन पॉइंट को बुझिया पई म आउथरे कहली अरे बुझी परु छ ना नै भाई सो कार्बोकट तो देखो मोस्ट ऑफ द केसेस रे 99% केसेस 95% केसेस आमो सिलेबस रे धरि कि चलो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी और ईज ऑफ डिसोसिएशन ये दिजन पैरेलली ही जानती रिजेम्बल करंती ईच अदर दे रिजेम्बल ईच अदर किंतु गोटा अधे एग्जांपल आसीबो जोठी जेंति कि पूर्व एग्जांपल टा थिला 6th पॉइंट रे आमे देखिया जे रेट ऑफ SN1 तार फास्टर जहार ईज ऑफ डिसोसिएशन फास्टर ठीक ना नै कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी एते खास मैटर करेनी बुझी परछो ना नै किसी टेंशन नवर नहीं तुम्हें कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी चेक करके ही क्वेश्चन भी सॉल्व कर पार बट देखु गोटे मार्क करुव नियोपेंटाइल सबस्ट्रेट्स ये भी वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर SN1 वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर SN1 ऑल्दो 1 डिग्री बुझी पार वेरी गुड सबस्ट्रेट देखो नियोपेंटाइल नियोपेंटाइल एटा ना नहीं एटा नियोपेंटाइल एटा नियोपेंटाइल आ कोटा नियोपेंटाइल एटा नियोपेंटाइल देखिलो सो सिंपल नियोपेंटाइल बोल से देखो अरे भाई कौन आइसोमेरिज्म चैप्टर जो नियो नोमेनक्लेचर पढ़ी थी नियोपेंटाइल
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟର୍ସିଆରୀ ବ୍ୟୁଟାଇଲ୍, ଏଇଟା ନିଓପେଣ୍ଟାଇଲ୍। ଆରେ ଜାଣିପାରୁନ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ନିଓପେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ନିଓପେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଛି, ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଗିଛି। ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ହାଇ ରେଟ୍, ଭେରି ହାଇ ରେଟ୍ ଫର୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ବି ଭେରି ହାଇ ରେଟ୍ ଫର୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍, ସେମ୍ କାରଣ, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡିସୋସିଏସନ୍, ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡିସୋସିଏସନ୍। ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ଆରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆଉ ଏଠି ଆମର ମିଥାଇଲ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ମିଥାଇଲ୍ ଅଛି। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେରିକ୍ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ଅର୍ ଷ୍ଟେରିକ୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ଅପରେଟ୍ କରେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ୱାନ୍ସ ଇଏ 120 ଡିଗ୍ରୀକୁ ପଳେଇବ ଏଇ କାର୍ବନ୍ଟା, ଦାଟ୍ ଷ୍ଟେରିକ୍ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ରିଲିଭ୍ଡ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ନିଓପେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ବି ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ଭେରି ହାଇ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍, ଆର୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ବହୁତ ଭଲ, ନିଓପେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଇଏ କିନ୍ତୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ଆରେ ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇଟା 1 ଡିଗ୍ରୀ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭେରି ହାଇ ରେଟ୍ ଫର୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏତିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଧର୍ନିଅ, ଇଏ ଅଛି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ତୁମ ପାଖରେ, ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ବନ୍ ଚେନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ବନ୍ ଚେନ୍, ସରି ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ବନ୍ ଚେନ୍, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଇଟା ଆଲଫା କାର୍ବନ୍, ଏଇଟା ବିଟା କାର୍ବନ୍। ଯେତେ ମୁଁ ବିଟା କାର୍ବନ୍ ଉପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବି, ଯେତେ ବିଟା କାର୍ବନ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିବି, ଇଏ ସବୁ ନିଓପେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ନିଓପେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇପ୍ର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ଯେତେ କ'ଣ ହେବ ବିଟା କାର୍ବନ୍ରେ, ମୁଁ ବିଟା କାର୍ବନ୍ରେ ଯେତେ କ'ଣ କରିବି, ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବି, ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ଅନ୍ ବିଟା କାର୍ବନ୍ ଯେତେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବି। ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା ନିଓପେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଯେତେ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିକରି ଯାଉଛି, ମାନେ ବିଟା କାର୍ବନ୍ରେ କାର୍ବନ୍ ଆଟମ୍ ଆଟାଚ୍ କରିକରି ଯାଉଛି, ମିଥାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ବଲ୍କି ଗ୍ରୁପ୍ ଆଟାଚ୍ କରିକରି ଯିବି, ସେତେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍, ସେତେ ଦେଖ ନିଓପେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା, ସେତେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ଅଧିକା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ବିଟା କାର୍ବନ୍ରେ ଯେତେ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବି, ସେତେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ବି କ'ଣ ହେବ, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ନିଓପେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇପ୍ର, ନିଓ ହେକ୍ସାଇଲ୍ ଟାଇପ୍ର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଫର୍ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍। ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଲେଖିଦିଅ, ସିମ୍ପଲ୍ କାରଣ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କର ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡିସୋସିଏସନ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଇଏ ତ 1 ଡିଗ୍ରୀ କାର୍ବୋକାଟାଇନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ 3 ଡିଗ୍ରୀ କାର୍ବୋକାଟାଇନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତିନି, ବଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡିସୋସିଏସନ୍ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଷ୍ଟେରିକ୍ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ବା ଷ୍ଟେରିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଥିଲା ଆମର ରିଗାର୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଙ୍ଗ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ରେ। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସରେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେତେ ବି ଅଛି କନ୍ସେପ୍ଟ ସବୁ କହିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇ ଏସ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢ଼େଇଛି ତା'ର ନୋଟ୍ସ, ଲେକ୍ଚର୍ ନୋଟ୍ସ PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଇଦେଇଛି ତା ଲିଙ୍କ୍। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।